नमस्कार दोस्तों, मैं विकास करवनवाल आपके चैनल बनवा ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आगे 10 एडवांस बैंकिंग एप्लीकेशंस जानने से पहले मैं देश दुनिया से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण खबरों को बताने वाला हूँ। उसमें से पहला और इम्पोर्टेंट खबर है कि इंडियन रेलवे ने 12 मई के बाद सभी 12 मई से हालांकि 12 मई से ही देश में हर जितने भी लाइनें हैं सबको शुरुआत करने वाली है। ये एक राहत भरी खबर है और भारत सरकार को जो लगातार लॉस हो रही थी वो इससे कम किया जा सकता है। इसके बाद दूसरा इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि सिक्किम का नाकुला पास में इंडियन आर्मी और चाइनीज सोल्डर के द्वारा झड़प हो गई, जिसमें लगभग 11 सोल्डर्स घायल हुए। उसमें से 7 चाइनीज सोल्डर्स और 4 इंडियन आर्मी घायल हुए हैं। इनके बीच लगभग 150 चाइनीज सोल्डर के साथ इंडियन आर्मी का झड़प हुआ। ये इम्पोर्टेंट खबर था आज का। इसके बाद थर्ड जो है इम्पोर्टेंट है, इंडिया का जीडीपी और इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ। लगभग 100 अमेरिकन फर्म्स और कंपनियां जो है चाइना से रुख कर चुकी हैं और वो लगातार अच्छे देशों में अपना इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दे रही है। उसमें से वियतनाम की ओर उसने रुख किया है। भारत को बहुत एक स्ट्रेटजी के थ्रू काम करना चाहिए और उन कंपनियों को देश में निवेश करने का मौका देना चाहिए। उसमें से बहुत सारी कंपनियां हैं, एबोट है, मेड ट्रॉनिक जैसी बहुत सारी कंपनियां हैं। इस कंपनियों में टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, लेदर, मेडिकल इक्विपमेंट मेकर्स कंपनियां हैं जो लगातार भारत सरकार से संपर्क में है और भारत सरकार भी इसे संपर्क में है और वो इन्वेस्टमेंट करने को बार बार उनको बोल रहे हैं। ये थी आपकी थर्ड। फोर्थ नंबर में है, हाल ही में फेसबुक में एक वर्चुअल करेंसी लिब्रा लॉन्च किया है और ये देखा गया है कि हाल ही में चाइना ने भी एक वर्चुअल करेंसी तैयार किया है जिसका नाम क्रिप्टो करेंसी है। इंडियन रिजर्व बैंक ने भी इस तरह का करेंसी को वर्चुअल करेंसी को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में कुछ रूल्स और टर्म कंडीशन जारी किए हैं। इसके बाद आज का आखिरी न्यूज़ और इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि वर्ल्ड रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 0% बतलाया है 2021-2020 से 2021 का फाइनेंशियल ईयर में। इसी में से फिच ने 0.8% बताया, IMF ने 1.9% बताया है, वर्ल्ड बैंक ने 1.5 से 2.8% रहने का अनुमान लगाया है। उसी तरह से इंडिया की खुद की रेटिंग एजेंसी इकरा ने 2% बताया है। ये थी देश दुनिया से जुड़े 5 खबरें। उसके बाद मैं आज इम्पोर्टेंट एब्रिविएशंस विस्तार से चर्चा करने वाला हूँ। इसमें से FRA फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स, नेक्स्ट है फ्लैश फॉरेन लाइबिलिटीज एंड एसेट सर्वे, FSS फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम, FWG फर्स्ट वर्किंग ग्रुप ऑन मनी सप्लाई, नेक्स्ट है EEA यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया, नेक्स्ट है DVP डिलीवरी वर्सेस पेमेंट, एक पेमेंट सर्विस है ये, FIPB फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, नेक्स्ट है HFT हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, नेक्स्ट है LAB लोकल एरिया बैंक और लास्ट है आज का इम्पोर्टेंट एब्रिविएशंस LTV लोन टू वैल्यू। ये कंप्लीट हो गया दोस्तों। उसके बाद मैं कंप्यूटर से जुड़ी कुछ इम्पोर्टेंट जानकारियाँ देने वाला हूँ जो कि रेम से जुड़ा हुआ है। सो आइए चलते हैं उसके पास। कंप्यूटर चॉइस एब्रीविएशंस, देर आर टू टाइप्स ऑफ रेम। फर्स्ट इज ट्रांजिस्टर एंड कैपेसिटर बेस्ड रेम एंड सेकेंड इज रेम पैकेजिंग स्लोट्स। फर्स्ट उसमें है ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर बेस्ड रेम में SRAM, जिसका विस्तारित रूप है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद दूसरा है DRAM, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये थी ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर बेस्ड रैम। उसके बाद रैम पैकेजिंग स्लॉट्स में RIM, RIMM, रोम्बस इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, इसकी खोज 1988 में की गई। नेक्स्ट है SIMM, सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। नेक्स्ट है DIMM, डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। नेक्स्ट है SODIM, सिंगल आउट डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। ये कंप्लीट हो गया आज का दोस्तों। सो कैसा रहा, सो प्लीज़
कमेंट करके सब्सक्राइब करके जरूर बताएं कि आज का इम्पोर्टेंट एब्रीविएशन कैसा रहा। सो प्लीज़ कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।